फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिर्फ एक कप दूध से बहुत ही टेस्टी राजभोग आइसक्रीम, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर में रखे हुए लिमिटेड सामानों के साथ आप ये बहुत ही नटी फ्लेवर वाली और एकदम क्रीमी टेक्सचर की आइसक्रीम घर पर ही बना सकते हैं। अगर आपने इसे एक बार ट्राई किया, यकीनन ये आपकी फेवरेट हो जाएगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सी राजभोग आइसक्रीम बनाने के लिए एक कप जितना फुल क्रीम दूध ले लिया, उसके साथ ही ले लिया 1/4 कप जितना मिल्क पाउडर। दोनों को बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, अभी हमें गैस को ऑन नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर आपको किसी भी प्रोविजन स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर का अपना कोई टेस्ट या स्मेल नहीं होती है, इसका काम होता है सिर्फ चीज़ को थोड़ा सा थिक करना। और बस अब कर दिया गैस का फ्लेम ऑन, और इसे हम कंटिन्यूस हिलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, साथ ही मिल्क पाउडर डाला है। अगर हमने इसे कंटिन्यूस नहीं हिलाया तो हो सकता है ये बॉटम में लग जाए और टेस्ट को ख़राब कर दे। इसे पकाने में आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर की वजह से ये फटाफट से गाढ़ा होने लगेगा। और ये देखिए, ये काफ़ी थिक हो गया है। अब इसे और 1 से 1.5 मिनट तक पकाया, और देखिए ये परफेक्ट गाढ़ा हो चुका है। चम्मच पे बिल्कुल अच्छे से कोट हो रहा है। और हम बना रहे हैं फ्रेंड्स आइसक्रीम, और आइसक्रीम होती है मीठी, तो इसे मीठा करने के लिए हम इसमें डालेंगे चीनी। हमने 1 कप यानी कि 250 ml के करीब दूध लिया है, और उसमें डाला है 1/4 कप जितना मिल्क पाउडर। तो हम बिल्कुल नाप कर डालेंगे इसमें 80 ग्राम चीनी, या आप समझ सकते हैं कि आप इसमें 5 टेबल स्पून जितनी चीनी डाल दें, परफेक्ट मीठी रहेगी। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ी सी मात्रा कम कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद में ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, क्योंकि चीनी पानी छोड़ देगी। तो उसके लिए हमें और इसे करीब 4 मिनट पकाया, और देखिए अब परफेक्ट बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं, यानी कि हमारा जो मिश्रण है एकदम बढ़िया सा पककर तैयार हो चुका है। लेकिन गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें। ये देखिए चम्मच पे अच्छे से कोट हो रहा है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। लेकिन आप इसे ऐसे ही ना छोड़ें, वरना इसके ऊपर एक काफ़ी मोटी सी लेयर बन जाएगी, जो आइसक्रीम में खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसे कंटिन्यूस हिलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और इसमें जो भाप बन रही थी वो बंद हो गई है। तो उसे किया साइड से, और फिर से गैस ऑन करी, उसके ऊपर पैन रखा, और पैन में मैंने डाल दिए हैं 3 टेबल स्पून जितने बारीक कटे हुए बादाम। फ्रेंड्स, राजभोग आइसक्रीम है, इसलिए आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डालने होंगे, लेकिन आप थोड़े से कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। साथ ही 3 टेबल स्पून जितने काजू डाले, 1 टेबल स्पून जितना पिस्ता डाल दिया। आप इसमें चिरौंजी डाल सकते हैं, मगज डाल सकते हैं, यानी कि जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप वो सब इसमें डाल सकते हैं। इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे इनका नटी फ्लेवर निकल कर आएगा और आइसक्रीम में खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ड्राई फ्रूट्स हैं, सीखने में बहुत ही कम समय लगता है। लीजिए, आइस बिल्कुल अच्छे से सीख गए हैं। उसके बाद मैंने ले लिया ये 100 ग्राम जितना मावा। मैंने आज बाज़ार का मावा यूज़ किया है, आप चाहें तो होममेड यूज़ कर सकते हैं जो हम घर में बनाते हैं, और आप चाहें तो जो मिल्क पाउडर का मावा बनता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपकी मर्जी है, आप कैसा भी मावा यूज़ कर लीजिए, सबसे ही आपकी जो आइसक्रीम बनेगी वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और बस इसे हम करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सेकेंगे, और ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही मावा परफेक्ट सिक कर तैयार हो गया है। बॉटम को इसने छोड़ दिया है, तो बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसे भी अच्छा सा ठंडा होने के लिए एक साइड से रख देते हैं। तो अब मैंने ले ली है ये व्हिपिंग क्रीम, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, वरना आप फ्रेश जो मलाई होती है वो ले सकते हैं, लेकिन उससे आइसक्रीम थोड़ी सी भारी हो जाएगी। और अगर व्हिप क्रीम लेते हैं तो इससे आइसक्रीम बनेगी बहुत ही लाइट वेट। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और अगर आप हाथ वाला बीटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको करीब 8 से 10 मिनट का समय लग जाएगा, और 8 से 10 मिनट में आपकी जो व्हिप क्रीम है एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, जो हमारी क्रीम थी अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है, सॉफ्ट पिक्स बनने लगे हैं। बाउल उल्टा करते हैं तब भी नहीं गिरती है, इसका मतलब है कि हमारी जो क्रीम है आइसक्रीम बनाने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार है। तो बस अब इसमें हम डालेंगे जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि हमने ये जो दूध, मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर का मिक्सर बना कर रखा था, जो अब अच्छा सा ठंडा हो गया है, वो डाल दिया।
साथ ही मावा डाल दिया जिसे अच्छे से क्रश कर लिया है, और क्रश करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे जिसे हमने हल्का सा रोस्ट किया था वो भी डाल दिए, आधे अब डालेंगे और आधे यूज़ करेंगे हम गार्निशिंग में, और इसे एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें येलो फूड कलर। फ्रेंड्स अगर आपको कलर पसंद है तो आप डाल दीजिए, आपको जो भी कलर पसंद हो आप वही डाल सकते हैं, मैंने येलो कलर डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया लगेगी आइसक्रीम देखने में। और सब चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर लिया है, और इस समय आप इसे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये लिया थोड़ा सा इलायची का पाउडर जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। फ्रेंड्स आप चाहें तो कलर की जगह सैफ्रॉन डाल सकते हैं, उससे और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप रोज एसेंस की जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आप इसकी जगह केवड़ा डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, आप चाहें तो पिंक कलर डाल सकते हैं, और साथ ही थोड़ा सा रुहावजा डाल सकते हैं, उससे भी आपकी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो अब आ रही है आइसक्रीम को सेट करने के लिए, उसके लिए मैंने एक फॉइल वाला टिन ले लिया है जिसमें हम अच्छे से आइसक्रीम को पोर कर देंगे। अच्छे से लेबल किया, हल्का सा हम इसे टैप करेंगे जिससे एयर बबल्स होगा तो हट जाएगा। और उसके बाद बारी है इसे अच्छे से पैक करने की, तो ये फॉइल पेपर के साथ मैंने इसे पैक कर दिया है जिससे इसमें आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे और आइसक्रीम जमेगी बहुत ही सॉफ्ट और एकदम क्रीमी। और साथ ही आप इसे जमा सकते हैं इस तरीके की जो छोटे वाले ग्लास होते हैं उसमें, तो बस इसमें भी हम इसे अच्छे से पोर कर देंगे। फ्रेंड्स आपकी मर्जी है आप इसे किस तरीके से जमाना चाहते हैं, आप चाहें तो ग्लास में जमाएं, आप चाहें तो नॉर्मल जो कटोरियां होती हैं उसमें जमा सकते हैं। अगर आप ग्लास में जमा रहे हैं तो एक और काम कर सकते हैं कि आप उसमें फॉइल पेपर लगाने के बाद में हल्का सा इस तरीके से होल्ड कर दें और आइसक्रीम जो स्टिक आती हैं उसे डाल दें जिससे आपको बिल्कुल कुल्फ़ी वाला टेस्ट और मज़ा मिलेगा। तो चलिए ये भी सेट हो गई, तो अब जमाते हैं इसे थोड़ा सा कटोरी में। ये मैंने नॉर्मल जो कांच के बाउल होते हैं वो ले लिए हैं, फॉइल पेपर से अच्छे से कवर किया और लिड के साथ हम इसे फिर से कवर कर देंगे। और ये लीजिए हमारी सब तरह से आइसक्रीम जमने के लिए तैयार हो गई है। तो अब मिलते हैं करीब 7 से 8 घंटे बाद, और मैंने इसे पूरी रात के लिए अच्छे से सेट कर लिया है। और देखिए आइसक्रीम बढ़िया सी सेट हो चुकी है। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो अच्छे से इस पर हम इस तरीके से सेट कर देंगे, और अब ये कटोरी वाली जो थी इस पे हम डालेंगे थोड़े से सिल्वर बॉल्स जिससे आइसक्रीम का जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आप इसे किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी चांदी की वर्क लगा सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये कुल्फ़ी वाली आइसक्रीम भी तैयार है, और ये देखिए जो हमारी आइसक्रीम तैयार हुई थी काफ़ी क्रीमी सी है, बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम माउथ वाटरिंग। उम्मीद है राजभोग आइसक्रीम की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि आइसक्रीम है ही इतनी टेस्टी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी और एकदम अलग तरीके से बनी हुई हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें।